यूपी पुलिस ने दो मुसलमानों को आतंकी बताया, बाद में ये मालूम हुआ कि यूपी पुलिस ने गलत जानकारी दी है। नमस्कार, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाहवाही बटोरने के चक्कर में गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया, गलत लोगों को पकड़ कर ये भी बता दिया कि ये आतंकवादी है। यूपी पुलिस ने 3 कथित आतंकियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हवाले कर दिया था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इन आतंकी कथित आतंकियों से पूछताछ की तो सामने कुछ और ही निकल कर सामने आया, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि ये आतंकी हैं। इसके बाद पुलिस ने दो कथित आतंकियों को छोड़ दिया और उनके परिवार वालों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये हम आपको ललन टॉप की खबर के जरिए बताएंगे। यूपी पुलिस की टीम ने कथित आतंकी मॉड्यूल के कनेक्शन के शक में 3 लोगों को अलग अलग जगह से उठाया, उसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हवाले कर दिया। लेकिन यूपी एटीएस की किरकिरी तब हो गई जब दिल्ली पुलिस ने दोनों लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। इसका कारण बताया गया कि उन लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा तीसरे शख्स की जानकारी होने से इनकार किया है। स्पेशल सेल ने कहा है कि यूपी एटीएस ने उन्हें 2 ही लोगों को सौंपा था, जिन्हें उनके परिवार के पास भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ ताबड़तोड़ छापेमारी, जो गिरफ्तारी 14 सितंबर 2021 को की गई थी, पुलिस ने 4 शहरों से ताबड़तोड़ छापेमारी की और इसके बाद पुलिस ने इस तरह से एक टेरर मॉड्यूल को पर्दाफाश का दावा किया गया। इस मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया। गिरफ्तार लोगों को प्रयागराज के केरली निवासी मोहम्मद ताहिर उफ मदनी, प्रतापगढ़ से इम्तियाज उफ कल्लू, रायबरेली से ऊंचाहर निवासी मोहम्मद जमील उर्फ जमील खतरी भी शामिल थे। सभी 6 आरोपियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हवाले कर दिया गया था। इस पूरी जानकारी यूपीएटीएस के चीफ जेके गोस्वामी, एडीएच प्रशांत कुमार ने खुद मीडिया को दी थी और इसी के साथ साथ पुलिस के किए बड़े बड़े दावे, इन आरोपों को लेकर पुलिस ने बड़े बड़े दावे भी किए। दिल्ली पुलिस के अनुसार एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी उन्हें गिरोह के लिए विश्वसनीय इनपुट मिला था। इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान एक गैंग वार के जरिए भारत में सीरियल आईटी ब्लास्ट की योजना बना रहा है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया था, इसमें बताया कि आईटी ब्लास्ट की तैयारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इनपुट में संकेत मिला था कि दिल्ली के ओखला इलाके से कोई इस तरह की योजना चला रहा है। फिर स्पेशल सेल ने पूरी साजिश का पता लगाने के लिए एक टीम बनाई। मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ में एक साथ कई टीमों को तैनात किया गया। पूरी तैयारी के बाद 14 सितंबर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर एक साथ एक टाइम पर छापेमारी कर संदिग्धों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद यूपी पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस की मदद की थी। इसी के बाद यूपी पुलिस ने कुल 6 लोगों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, हमने समीर नामक शख्स को कोटा से गिरफ्तार किया है, 2 को दिल्ली से अरेस्ट किया है और 3 को यूपी से अरेस्ट किया है। इसी से पता चलता है कि कुल 6 लोगों में से 2 लोगों को मस्कट से होते हुए पाकिस्तान ले जाया गया, जहां उन्हें गोला बारूद बनाने और AK-47 चलाने की 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। कोई जानकारी नहीं मिली तो छोड़ दिया, लेकिन शाम होते होते मामला पलट गया। आज तक के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध मोहम्मद इम्तियाज और जमील को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जबकि ताहिर के बारे में स्पेशल सेल के अधिकारियों ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। आज तक के संवाददाता ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में इम्तियाज और जलील से कोई खास जानकारी हासिल नहीं हुई है। इसके खिलाफ कोई सबूत अभी तक जांच में स्पेशल सेल को नहीं मिला, इसी वजह से दोनों के परिवार को बुलाकर उन्हें उनके हवाले कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी एटीएस ने इन दिनों एक
तीन नामों को लेकर गिरफ्तारी में दिखाया कि स्पेशल सेल को हैंडओवर करने का दावा भी किया गया था। इसे लेकर बकायदा प्रेस नोट भी जारी हुआ था। तो वहीं आज तक की रिपोर्ट में जो लिखा गया है उस खबर के मुताबिक हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं। आतंकी मॉड्यूल के कनेक्शन के शक में यूपी एटीएस की टीम ने तीन लोगों को अलग अलग जगहों से उठाया, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हवाले कर दिया। लेकिन उस वक्त यूपी एटीएस की किरकिरी हो गई जब स्पेशल सेल ने दो लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जबकि तीसरे शख्स के बारे में स्पेशल सेल ने कहा कि यूपी एटीएस ने उन दोनों लोग जो सौंपे गए थे उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया है। तीसरे शख्स की जानकारी उनके पास नहीं है। दरअसल यूपी एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल के मामले में महज शक के आधार पर रायबरेली के ऊंचाहार में मोहम्मद जमील, प्रतापगढ़ के मोहम्मद इम्तियाज उर्फ कल्लू और प्रयागराज के करेली से मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी को गिरफ्तार दिखाते हुए उठा लिया था। इसके बारे में यूपी एटीएस के चीफ जेके स्वामी और यूपी एटीजी प्रशांत कुमार ने खुद मीडिया को जानकारी दी थी। इन तीनों को बड़ा आरोपी बताया था और तीनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले जानकारी दी गई थी इसी के साथ। लेकिन शाम होते होते पूरा मामला पलट गया। दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्ध मोहम्मद इम्तियाज और जलील को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जबकि ताहिर के बारे में स्पेशल सेल के अधिकारियों ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। शुरुआती मामले में इम्तियाज और जमील दोनों दिल्ली पुलिस से कोई जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, इसी वजह से उन्हें परिवार को बुलाकर उन्हें उनके हवाले कर दिया और सबूत की अभी तक जाँच स्पेशल सेल को नहीं हो पाई है। अहम बात यह है कि यूपी एटीएस ने उपरोक्त तीनों नाम जिनको गिरफ्तार किया था उसे परिवार को हैंडओवर कर दिया है। इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किया गया था, लेकिन स्पेशल सेल के पास दो संदिग्धों इम्तियाज और जलील थे जिन्हें सबूतों के अभाव पर छोड़ दिया गया, जबकि तीसरे संदिग्ध ताहिर के बारे में स्पेशल सेल का कहना है कि उसके पास नहीं है, ना ही उसकी कोई जानकारी है। तो आपने आज तक की ये पूरी खबर सुनी, खबर की सच्चाई भी आपके सामने है। गोदी मीडिया और पुलिस हर बार वाहवाही के चलते अपनी किरकिरी करा बैठ रहा है और जिसका खामियाजा मजलूम मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। मजलूम मुसलमानों को हर बार ये शक के बिना पर उठाकर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं और उनका पूरा परिवार ना जाने सालों तक अपने बच्चे के इंतज़ार में लगे रहते हैं। जबकि वाहवाही और मेडल की जो भूख में दो बच्चे उठाए थे, एटीएस ने पूछताछ के बाद परिवार को उन्हें सौंप दिया है। पर क्या आपको लगता है कि वो दोनों बच्चे जो इस सदमे से कभी उबर पाएंगे? क्या इसी तरह से पुलिस अपने मेडल और वाहवाही के चलते ऐसे ही मुसलमानों को शिकार बनाती रहेगी? ये मॉडल आज का नहीं है, ये मॉडल करीब सालों पुराना है। लेकिन आतंकवाद से जूझने के लिए पुलिस सही लोगों को पकड़ने की जगह मासूम मुसलमानों को पकड़कर उनको अपनी बीमार सोच का शिकार बनाती है, जिसमें मुसलमानों की ही ज़िंदगी बर्बाद हो रही है।